दोस्तों सावन माह का समय है और इस समय की हर तिथि का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पर अभी सावन के साथ अधिक मास भी चल रहा है तो यह प्रभाव में वृद्धि करने वाला समय होता है। इस समय सावन माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि पर अधिक मास का यह दूसरा प्रदोष व्रत आने वाला है। यह इस सावन का तीसरा प्रदोष व्रत भी होगा। इस बार आने वाला प्रदोष व्रत रविवार को पड़ने वाला है। यह रवि प्रदोष व्रत के रूप में पूजा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के द्वारा आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके द्वारा व्यक्ति मान सम्मान को भी पाता है। अधिक मास के प्रदोष व्रत में शिव की पूजा की जाती है। अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत व्यक्ति को भक्ति एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। शिव पूजा का प्रदोष मुहूर्त जीवन में सभी सुखों को आगमन देता है। दोस्तों कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 13 अगस्त को सुबह 8:19 पर होगा और शिव पूजा का शुभ समय शाम को 7:03 पर है। इस समय सिद्ध योग और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इन दोनों की स्थिति शुभ और फलदायक रहने वाली है। रवि प्रदोष के दिन दोपहर 3:56 से सिद्ध योग बन रहा है जो अगले दिन तक रहेगा। यह समय पूजा को सिद्ध करने वाला होगा। दोस्तों अब हम रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा के अनुसार एक गांव में बहुत ही दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी जिसके कारण उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन गंगा के किनारे स्नान करने गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे रास्ते में चोरों ने घेर लिया। चोरों ने कहा कि तुम अपने पिता के गुप्त धन का रहस्य बताओ अन्यथा हम तुम्हें मार डालेंगे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन है ही कहाँ। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियाँ दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर पर नहीं लौटा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आदेश अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप डरो नहीं, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। इसलिए जो भी मनुष्य रविवार का प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों ये थी रवि प्रदोष व्रत जो कि 13 अगस्त 2023 को पड़ रहा है के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट करके बताइए आपको इनमें से कौन सी जानकारी पहले से थी और आप में से कौन कौन प्रदोष व्रत करता है। साथ ही मैं चाहती हूँ कि इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ वह भी हमारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।